दोस्तों BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी इन सब फॉरेन ब्रांड्स की SUVs को तो आप जानते ही होंगे, ये सब बहुत पॉपुलर रहती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने इंडियन ब्रांड्स की, जो कि इतना आगे निकल चुके हैं कि उनकी SUVs इंडिया में सालों साल वेटिंग पीरियड के बाद मिल रही हैं, और साथ ही में फॉरेन में भी इनकी बहुत डिमांड हो रही है। दोस्तों अपने इंडियन ब्रांड्स की SUVs रफ एंड टफ तो बहुत होती थी, लेकिन अभी तक उनमें कहीं ना कहीं लग्जरी फील नहीं मिल पाता था। लेकिन कंपनियां यूं ही हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी रही, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत दिखाई है अपने प्रोडक्ट्स पे, और आज के टाइम पे इंडियन ब्रांड्स की कार रफ एंड टफ के साथ बेहतरीन लग्जरी कंफर्ट भी प्रोवाइड कर पाती हैं। सो दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल ड्राइव इन्फिनिटी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो दोस्तों बेस्ट लग्जरी इंडियन SUVs की लिस्ट में पहली कार होने वाली है रेंज रोवर वेलार। दोस्तों ये एक ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन 2008 में टाटा ने इसको ओन कर लिया था, तो फिलहाल ये अब इंडियन ब्रांड है। और इसने पिछले साल 2022 में अपनी पूरी 8,565 यूनिट सेल करी। वेलार वाकई में बहुत ही ज्यादा लग्जरी कार है, और साथ में कमाल की ऑफ रोडिंग कैपेसिटी भी मिल जाती है। इस लिस्ट की सेकंड कार है महिंद्रा थार। दोस्तों थार का तो मार्केट में एक अलग ही लेवल का स्वैग रहता है, लोग इसके पीछे पागल हैं। 4x4 थार की तो इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन इंडिया में रियल व्हील ड्राइव की थार की 17 मंथ की वेटिंग चल रही है, और महिंद्रा थार की पिछले साल 2022 में 46,297 यूनिट सेल हुई है। लिस्ट की थर्ड नंबर पे टाटा सफारी, जो कि एक प्योर इंडियन SUV है, और दोस्तों ये नाम भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। और इसी का एक दूसरा वर्जन जो कि लिस्ट में फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है, जिसको कहते हैं टाटा हैरियर। दोस्तों ये दोनों ही लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, और इनकी कैपेसिटी भी कमाल की है। दोस्तों लिस्ट की फिफ्थ कार वो है जो हर युवा की पहली पसंद है, महिंद्रा स्कॉर्पियो। दोस्तों 2022 में इस कार की 64,179 यूनिट सेल हुई है। बात करें लिस्ट की सिक्स्थ कार की, तो वो होने वाली है बेहतरीन लग्जरी SUV 700, जिसका इंटीरियर कमाल का आता है। दोस्तों महिंद्रा XUV 700 की 2022 में 65,371 यूनिट सेल हो चुकी थी। लिस्ट की 7 नंबर पर है XUV 300, जो कि एक इंडियन सब कॉम्पैक्ट SUV है, जिसकी सेल पिछले साल 60,260 यूनिट्स हुई थी। लिस्ट की 8th कार है XUV 500, जो कि फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दी गई है, लेकिन इसने भी 2013 के लॉन्च होने के बाद से ही मार्केट में कमाल कर दिया था। लिस्ट की 9th कार है XUV 400, जो कि इसी साल 2023 में 16 जनवरी को लॉन्च कर दी गई थी। दोस्तों एक EV कार है, और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही कमाल की है। लिस्ट की लास्ट और 10th कार है लैंड रोवर डिफेंडर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कार है। ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है, और इसकी पिछले साल 2022 में 6,923 यूनिट सेल हुई थी। सो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, इंडियन SUVs भी कहीं से भी कम नहीं है, और वो हर तरीके से फॉरेन ब्रांड्स की SUVs को टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं से तैयार है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।